आहस सरोकार। पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल शशि थरूर, कहा राजनीतिक दायरे से परे होनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह बोले ड्रग्स तस्करी असली गुनहगार, जबकि जो नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं वो पीड़ित हैं। लखनऊ में कोरोना के 245 नए मामले आए सामने, 26 मरीज अस्पताल में भर्ती। प्रयागराज में अतीक अशरफ की हत्या का क्राइम सीन हुआ रिक्रिएट, कॉल्विन अस्पताल पहुंची एसआईटी। कानपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन पुलिस कमिश्नरेट, ऑफिस पहुंचे संयोजक कृष्ण तिवारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। कानपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसके अनुसार अलविदा जुमा और ईद की नमाज सड़क पर ना हो और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन भी कराया जाए। इस मांग को लेकर बजरंग दल ने मांग की है कि बजरंग दल पदाधिकारियों ने मांग करते हुए कहा कि अगर सड़क पर नमाज हुई तो वहीं पर बजरंग दल के कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचकर हनुमान चालीसा का भी पाठ करेंगे। बजरंग दल जिला संयोजक कृष्ण तिवारी ने कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस पहुंचकर अपने मांगों का यह ज्ञापन भी सौंपा है। तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अगर जुमे की नमाज को सड़कों पर या कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर अदा की गई या नमाज पढ़ी गई तो बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता तत्काल मौके पर पहुंचकर वहां हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए दिखाई देंगे। शासन द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में हमने पिछले वर्ष भी यह सुनिश्चित किया था कि कहीं भी कोई भी धार्मिक आयोजन जो कि स्थैतिक रूप से आयोजित किया जा रहा हो वो परिसर के भीतर ही आयोजित हो, और इस क्रम में पिछले वर्ष बड़ी ईदगाह पर भी बाहर कोई नहीं दिखाई दिया था। लगभग 99.99% लोगों ने इसको अचीव किया था और सभी लोगों ने इसमें सहयोग भी किया था। इस वर्ष भी यहाँ पे जो मीटिंग हुई है उसमें पुलिस आयुक्त महोदय ने, जिलाधिकारी कानपुर नगर ने, हम सभी ने साफ साफ ये सबको बताया है। आज का जो विषय है, जिस तरीके से हर वर्ष शासन आदेश जारी होता है कि सड़क पर किसी भी तरीके का, सड़क को किसी भी तरीके से बाधित कर वहाँ पर कोई भी काम नहीं होगा, लेकिन जो शहर में जिहादी तत्व है, वहाँ के जो मुल्ले और मौलवी हैं, उनकी शहर पर सड़क को बाधित कर वहाँ पर नमाज हर बार पढ़ी जाती है, और इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री की ओर से यह शासन आदेश आया है कि सड़क बाधित। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या का सीन एक बार फिर से दोहराया गया। इस दौरान अधिकारियों ने पूरे सीन को एक बार फिर से तैयार किया और सीन रिक्रिएशन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मौके पर एसआईटी की टीम पहुंची। दरअसल अतीक और अशरफ को कॉल्विन अस्पताल के गेट पर गोली मार दी गई थी, जिसके बाद मौके पर ही दोनों की मौत हो गई थी। तो प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल में आज एसआईटी की टीम पहुंची, जहां पर अतीक अशरफ हत्याकांड का एक बार फिर से सीन जो है वो रिक्रिएट किया गया। लेकिन अमूमन हमने देखा है कि सीन रिक्रिएशन में हथियारों को लेकर जाया जाता है, लेकिन इस बार सुरक्षा दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तीनों हथियारों को मौके पर लेकर पुलिस नहीं पहुंची, जबकि इन तस्वीरों में जो अतीक और अशरफ है वो पूरी तरीके से नकली है, लेकिन जो सीन का रिक्रिएशन है यानी ये जो तस्वीरें हैं ये पूरी असली हैं। गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या के बाद यूपी के जेलों में बंद कुख्यात अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जी हां, राज्य के अलग अलग जिलों में छोटे क्राइम से लेकर गैंगस्टर से बाहुबली नेता बने माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार कार्रवाई करने के लिए तैयार है। 500 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने के इरादे से प्रशासन ने पहले ही 64 माफियाओं की लिस्ट तैयार कर ली है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता, कोई नहीं डरा धमका सकता। उत्तर प्रदेश आज
बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है, लेकिन जो दो अन्य कलंक यूपी में थे कि जहां से यूपी में घुसो, जहां से सड़कों में गड्ढे दिखाई दें, समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम लोग 4 लेन के साथ जोड़ चुके हैं। सुना कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीती 18 अप्रैल को यह बयान एक कार्यक्रम के दौरान दिया था। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से कायम है और जो माफिया पहले लोगों को डराते थे, व्यापारियों को धमकाते थे, अब ऐसे माफियाओं पर लगातार कार्रवाई का शिकंजा कसता जा रहा है। प्रदेश में 25 से ज्यादा जिलों में प्राथमिक स्कूलों की खराब शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में बेसिक शिक्षा विभाग अब जुट गया है और वहीं जिलों के 5 स्कूलों का खुद महानिदेशक निरीक्षण करेंगे, जबकि 24 अप्रैल से 15 मई तक स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण और जांच में खराब प्रदर्शन पर शिक्षा अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं जिन स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था खराब मिलेगी, प्रिंसिपल पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो यूपी में शिक्षा में सुधार की तस्वीरें अब देखने को मिलेंगी, क्योंकि खराब प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों के साथ प्रिंसिपल और स्कूल के संचालक पर भी कार्रवाई होगी। खबर फरीदाबाद से है, जहां वल्लभगढ़ अनाज मंडी में गेहूं की खरीद शुरू होने के बाद अब गेहूं की लिफ्टिंग यानी कि उठान ना होने की समस्या लोगों के सामने आने लगी है। जल्द ही मंडी में अनाज रखने की जगह की कमी देखने को मिल सकती है, जिसको लेकर अनाज मंडी के डिप्टी सेक्रेटरी इंद्रपाल से बात की गई है, जिस पर उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर जिला उपायुक्त ने संबंधित विभाग के तमाम अधिकारियों की बैठक की है, जिसमें लिफ्टिंग को लेकर उन्होंने विशेष तौर पर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इसके विषय में कल उपायुक्त महोदय ने एक मीटिंग ली थी, जिसमें सभी संबंधित एजेंसियों को, DFSC को, तीनों SDM के और तीन जितने भी मार्केट कमेटियाँ हैं फरीदाबाद जिले की, सभी उसमें उपस्थित हैं। तो उसमें ट्रांसपोर्टों के दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो जल्द से जल्द जितने भी हों सभी मंडियों में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रक प्रोवाइड करवाएँ, और FCI के जो वहाँ पे DM थे उनको भी दिशा निर्देश कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बनाएं, जिससे कि लिफ्ट हुए ट्रकों को आराम से वहाँ खाली किया जा सके। फरीदाबाद में पिछले दिनों आयोजित हुई नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बल्लभगढ़ के सैनिक के विद्यार्थियों ने 34 गोल्ड, सिल्वर और रजत पदक हासिल किए हैं। वहीं विजेता विद्यार्थियों ने सम्मान में आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री, उड़न दस्ता के DSP राजेश चेची और अर्जुन अवार्डी कुश्ती प्लेयर नेहा राठी भी मौजूद रही। 62 सेक्टर बल्लभगढ़ में, और बहुत ही यूनिक और एक अलग किस्म का स्कूल मेरे को आज यहाँ मौका मिला आने का। खास तौर पे जिस तरह का आज का आयोजन था कि जो बॉक्सिंग का एक नेशनल लेवल की टूर्नामेंट में, उसमें से बच्चे 20 मेडल लेके आए हैं एक साथ, और ट्रॉफी भी ओवरऑल, और बेस्ट कोच का भी अवार्ड जो यहाँ पे कोच हैं जो इनके, उनको जो PTI साहब ने उनको बेस्ट कोच का अवार्ड मिला है। तो वो फंक्शन था तो बड़ा अच्छा लगा, बच्चों से इंटरेक्ट किया, टीचर से इंटरेक्ट किया, जिस तरह का कॉन्फिडेंस बच्चों में देखने को मिला। हमारे स्कूल में काफ़ी उत्साह का माहौल है, एक क्योंकि हमारे पास एक सेकंड नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो फरीदाबाद में अभी हेल्ड हुई थी 14 से 16 अप्रैल को, तो उसमें CRF की टीम जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन रही, और उन्हीं के साथ साथ CRF को अच्छी टक्कर देते हुए बिल्कुल सैनिक स्कूल के जो बच्चे हैं उन्होंने भी फर्स्ट पोजीशन हासिल की, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। ऊंचा गाँव में सेक्टर 63, आज यहाँ बच्चे बॉक्सिंग के बच्चे हैं वो मेडल जीत के आए हैं, उनको आशीर्वाद देने, उनको मेडल पहनाने के लिए बुलाया गया है, और यहाँ का जितना भी स्टाफ है बहुत अच्छा है, और जो इस स्कूल के जो ओनर हैं उधम सिंह जी हैं, जो कि स्पोर्ट्स पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि आज के टाइम में जैसे बीच में कोरोना भी हुआ था और उसके दौरान बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम पर भी फ़र्क पड़ा है।
संबल में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें एक ही पक्ष के एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि घटनास्थल से आरोपी फरार बताया जा रहे हैं, जबकि पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस पूरे मामले में आरोप है कि दूसरे पक्ष के चार लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर हमला कर दिया, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक घायल किसान को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। थाना रजपुरा के अंतर्गत ग्राम महुआ हसनगंज से आज सुबह पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि गांव के एक व्यक्ति जिनका नाम मलखान सिंह यादव है, उम्र 35 वर्ष के करीब, इनको गांव के ही तीन अन्य व्यक्तियों के द्वारा भूसे को रखने के लेकर हुए विवाद में गोली मार दी गई है। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो इनके परिजनों के द्वारा तब तक इनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था, जहां डॉक्टरों के द्वारा इलाज के दौरान इनकी मृत्यु होना बताया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिचंद है। अच्छा, ये खत्म हुए हैं, वो कौन थे? मेरा सगा भाई है। कैसे खत्म हो गए, क्या हुआ? ये सब भोज खिला रहे हम यहाँ पर, भोज खिला रहे तो हम दोनों जे टोली बैठा था और मैं नीचे बैठा, आकर उसने उन्होंने गोली मार दी है, आदमी चार हैं, हमने ये देखा है। अच्छा, गोली मार दी? गोली मार दी, तब हम डर भगे यहाँ से। तो गोली मारने के बाद फरार हो गए? वो तो फरार रह गए तुरंत। एक व्यक्ति जिसमें घायल बताया जा रहा है, एक की मौत हुई है, तो क्या मामला, ये घटना कैसे हुई? लगभग ये 2-3 महीने से मामला चल रहा है यहाँ पे। वो लोग कहते हैं हमारी जमीन है, हमारी 177 एकड़ हमारी जमीन है। अब हमारी हमने कई बार नपवा दिया, कम से कम 10-13 नाप हो गया इसका पे। कभी देसी आदमी होते, कभी नेपाल पटवारियों से, मगर फांतू है नहीं, कोई फांतू बताता है कोई नहीं बताता है। तो ये रात को लोग आए थे, मतलब एक चक्कर हम डाल गए यहाँ पे, दूसरा भूसा लेके आए तो यहाँ पे खिला रहे, पीछे से आगे बोली। लखनऊ में अलविदा की नमाज शुक्रवार को अदा की जाएगी, तो वही ईद उल फितर की नमाज शनिवार को अदा करने के दौरान सड़कों पर रूट का डायवर्जन रहेगा। डीसीपी ट्रैफिक रईस अख्तर ने प्राइम टीवी से खास बातचीत में बताया कि शिया और सुन्नी समुदाय के लिए अलग अलग रूट निर्धारित किए गए हैं। इस दौरान उस रूट से किसी तरह के वाहनों का आना जाना प्रतिबंधित रहेगा। इसको लेकर डीसीपी ट्रैफिक रईस अख्तर ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है, आइए सुनाते हैं इस दौरान उन्होंने प्राइम टीवी से क्या कुछ कहा है। अलविदा और अलविदे के बाद ईद की नमाज, दोनों को लेकर के ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की बड़ी जिम्मेदारी लखनऊ डीसीपी ट्रैफिक रईस अख्तर साहब की है। किस तरीके से ट्रैफिक को संचालित करेंगे कि लोगों को तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डीसीपी ट्रैफिक रईस अख्तर साहब मौजूद हैं। सर, प्राइम टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, जिस तरीके से ईद और अलविदे की नमाज है, इस दौरान रूट डाइवर्जन किया जाता है, तो क्या कुछ रूट डाइवर्जन किया गया है, कैसे लोगों को तक ये जानकारी दी जा रही है, कैसे इस समस्या से समाधान मिलेगा? नहीं, लखनऊ में जिस जिस मस्जिदों में अलविदा की नमाज़ होगी या जिन ईदगाहों में ईद की नमाज़ अदा की जाएगी, उस सब जगह हमारे यहाँ ट्रैफिक की ड्यूटियाँ लगी हैं। जो हमारी दो मेन मस्जिदें हैं, जिसमें आसिफी मस्जिद इमामबाड़ा, जहाँ पर शिया हज़रात काफ़ी संख्या में नमाज़ पढ़ते हैं, इसी तरह ईदगाह और टीले वाली मस्जिद, जहाँ सुन्नी समुदाय के लोग नमाज अदा करते हैं ईद की, वहाँ के लिए हमने अलग से विशेष प्रबंध किया गया है और वहाँ की अप्रोच रोड्स को हम लोग ज़रूरत पड़ने पर डाइवर्ट करेंगे। और हमने जो अभी तक डाइवर्जन का प्लान किया है कि 10 बजे हम लोग करेंगे, लेकिन उसमें भी हम लोग ये देखेंगे कि जब भी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से ही डाइवर्जन हम लोग अप्लाई करेंगे। इसके अलावा पूरे लखनऊ में जिस जिस जगह पर ज़्यादा संख्या में लोग नमाज़ पढ़ते हैं, हम लोग सभी जगह पे ड्यूटियां ट्रैफिक के लगाई गई हैं। सर, जैसे बात किया पिछले साल की, क्योंकि पिछले साल कोरोना काल था तो कम लोगों की संख्या थी, लोग ईदगाहों तक नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन इस बार जिस तरीके से लोग सड़कों पर भी आते हैं, क्योंकि जब ईदगाह भर जाता है या मस्जिद भर जाती है तो लोग सड़कों तक भी पहुँचते हैं, तो इस दौरान जो डाइवर्जन की बात की जाए या फिर जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी लगे होंगे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी कम होते हैं तो उनके ऊपर लोड ज़्यादा होता है, तो इस बार कैसे क्या कुछ ड्यूटियां लगी हैं? नहीं, जैसे हम लोग को जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें ये है कि नमाज के वक्त किसी भी तरीके से ट्रैफिक या रोड बाधित ना हो, तो हम लोग की यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे नमाजी हैं वो मस्जिद के अंदर ही नमाज़ पढ़ें, और जहाँ पे इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि सब लोग मस्जिद के अंदर आ सकते हों, वहाँ आसपास के जो कॉम्प्लेक्स हैं या जो बिल्डिंग है वहाँ पे भी लोग नमाज़ पढ़ते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे। और वहाँ जो लोग जाते हैं उस समय काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, तो उस समय हम लोग को ज़्यादा
और नमाज़ ख़त्म होने के बाद भी हम लोग को डाइवर्जन की ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय हम लोग ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे। सर, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहिए, क्योंकि इस दौरान जो भीड़ सड़कों पर उतरती है, तो क्या कुछ संदेश है? नहीं, मैं सभी लखनऊ वासियों से ये अपील करता हूँ कि कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए ईद की नमाज़ अदा करें। पूरा जो लखनऊ पुलिस और हमारा ट्रैफिक पुलिस है, हम लोग उनको पूरा सहयोग प्रदान करेंगे ताकि किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना आए उनको, और हम लोग ये भी सुनिश्चित करेंगे कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे ताकि किसी भी यात्री को कहीं आने जाने में कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो जिस तरीके से ये DCP ट्रैफिक राय सत्तर साहब थे जिन्होंने रूट डाइवर्जन को लेकर के पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से ईद और अलविदा के दिन आम जनमानस को सड़कों पर निकलने के दौरान तकलीफ़ों का सामना न करना पड़े, उसके लिए जो ड्यूटियां लगाई गई हैं, जो रूट डाइवर्जन किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो लोग सड़कों पर उस दिन निकलेंगे वो उस रास्तों का इस्तेमाल ना करें जहाँ पर उन्हें ट्रैफिक में फंसना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट विजय कुमार के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम TV, लखनऊ। श्रावस्ती में अज्ञात कारणों से आग लगने से मकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। दरअसल युवक परिवार के साथ खेत में काम करने के लिए गया हुआ था, जब स्थानीय लोगों ने देखा कि सोमन दास के घर में धुआं उठ रहा है, तो लोगों ने आग लगने की सूचना दी, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर सोमन दास ने भी अपना घर पहुंचकर देखा तो घर में भीषण आग लगी हुई थी। सोमन दास स्थानीय लोगों के साथ आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मियों के साथ स्थानीय लोगों ने मिलते हुए कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको पता है कि कैसे लगाया? अभी तो पता नहीं है। आग लगी थी, आप कहाँ थे? हम तो खेत में रहे। घर पे कोई था कि नहीं था? घर पर तो एक लड़का रहा। तो आपको कैसे पता चला कि आग लगी हुई है मेरे घर? हल्ला सुनन तो जान मिला भैया। घर में कोई नुकसान? घर में नुकसान चौकी साइकिल गद्दा लगाई। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? लगभग 20-30 के तो हिले थे। कितना? 30,000। पीछे से आ गया है, देख नहीं पाओ। आप लोग कहाँ थे आग लगी थी? तो घर आ गया। कैसे पता चला कि आग लगी हुई है? बाहर से आग लपट मारी, से पता लगा है कि आग लगी है। घर में कोई नुकसान तो नहीं हुआ है? नुकसान करीब 50,000-60,000 का नुकसान हुआ है। कोई परिवार को तो नुकसान नहीं हुआ? परिवार को नुकसान तो नहीं हुआ। कोई जानवर? जानवर ही बच गए। खबर हरदोई से है, जहां पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वही भारी मात्रा में अवैध असलहे, कारतूस और असलहे बनाने का सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। वही निकाय चुनाव में अवैध असलहों का इस्तेमाल भी किया जा सकता था, जबकि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। ये अवैध हथियार फैक्ट्री लोनार और मंझीला थाना क्षेत्र में संचालित हो रही थी। खबर लखनऊ से है, जहां प्रयागराज की घटना के बाद से प्रदेश भर में धारा 144 लागू हुई है। इसके साथ पुलिस अधिकारियों को बदमाशों पर लगाम लगाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद बदमाश वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। बदमाश महिला के साथ उसके घर के सामने लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। राजधानी लखनऊ की एक तस्वीर में घर के बाहर स्कूटी से महिला घर पहुंचती है, इसी बीच बाइक से असलहा लेकर बदमाश युवती के पास पहुंचता है। जब तक महिला को समझ पाती, तब तक बदमाश उसकी चेन को असलहे के बल पर लूट चुका होता है, लेकिन महिला ने भी हिम्मत दिखाते हुए लड़के से वो भिड़ गई है। सूचना मिली कि 2 अज्ञात बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग कर दी गई है। इस सूचना को प्राप्त करके लोग पुलिस मौके पर गई और उच्च अधिकारियों द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया। इस पर हमने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और टीमें बना दी गई हैं जो CCTV फुटेजेस वगैरह देख रही हैं। कुछ क्लू हमें मिले हैं जिससे घटना का सफल अनावरण होने की जल्द से जल्द उम्मीद की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम TV।